कि लोग कहते हैं कोटा और दिल्ली और सीएलसी की कोचिंग क्या फर्क है। ये किशनगढ़ रेनवाल ग्रामीण क्षेत्र है, इस क्षेत्र से जो भी बच्चों को मैं गाइडलाइन करके आपके पास भेजा, मेरे ख्याल में 99% आपने रिजल्ट दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे यहाँ 10 से जो भी बच्चे गए वो सरवण जी का सीनियर पास होने के बाद में ये जब भी जवाब आया कि उसका सिलेक्शन हो गया, मुझे भी खुशी हुई और इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ा इसका बेनिफिट्स मिला। बहुत बार गार्जियन हमें ये कहते हैं कि हमें बच्चे को कोटा भेजना चाहिए, सीकर भेजना चाहिए या जयपुर भेजना चाहिए। हमारा डिसीजन ये रहता है कि हम सीकर के लिए ज़्यादा बोलते हैं कि सीकर आपको भेजना चाहिए, उसके पीछे रीजन्स है। हमारी सोच में ये रहता है कि जब हम कोटा बच्चे के लिए गाइडलाइन अगर करते हैं तो बच्चा 90% वहाँ से डिस्टर्ब होकर आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हमारे पास रिजल्ट है जो गार्जियन अपनी स्वेच्छा से कोटा लेके गए, हमारे टॉपर भी रहे लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सौभाग्य हमारा ये रहा कि सरवण जी के पास जिसको भी भेजा उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिला, क्योंकि सरवण जी का जो वहाँ का एटमोसफियर है, बच्चों के साथ जो उनका जुड़ाव है, वो वैसा मेरे ख्याल में राजस्थान में तो कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता, जो प्रत्येक बच्चे को, केवल बच्चे को नहीं उसके परिवार के सदस्य तक जानते हैं। आज नहीं 10 साल पहले सिलेक्शन हुआ उसको भी इनके जहन में याद है कि अमुक बच्चा उस एरिया का है। जब भी बच्चे की बात आती है मेरे पास ये टेलीफोन करके कहते हैं कि आपके रेनवाल क्षेत्र का ये बच्चा है यार, इसका सिलेक्शन मैं 100% दूंगा। इससे ज़्यादा केयर करने वाली इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान आपको नहीं मिल सकती। इसलिए मैं तो सरवण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे शख्स जो हर गाँव में एक एक डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद की बात करें। जय हिंद, जय भारत।